17 फरवरी को एंट मैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया रिलीज होने वाली है और उससे पहले एंट मैन की समरी पता होना जरूरी है। ये एंट मैन पार्ट 1 की समरी है, पार्ट 2 जल्द ही आएगी। तो पार्ट 1 की समरी से स्टार्ट करते हैं। एंट मैन स्कॉट लैंग की स्टोरी है, जो कि एक चोर है और वो काफी साल जेल रहकर आया है, पर इस बार वो जेल से निकलने के बाद चोरी ना करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसकी एक छोटी बच्ची है जिसका नाम कैसी लैंग है। वो अपनी बेटी से काफी प्यार करता है। स्कॉट और उसकी वाइफ अलग हो चुके हैं और स्कॉट की वाइफ दूसरी शादी करने वाली है। जेल से निकलते ही स्कॉट का दोस्त उससे चोरी का प्लान बताता है, पर स्कॉट मना कर देता है क्योंकि वो अब जेल नहीं जाना चाहता था और अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। स्कॉट जॉब करने लगता है, पर उससे वहाँ से भी बाहर निकल दिया जाता है। स्कॉट को पैसे की जरूरत थी अपनी बेटी से मिलने के लिए, इसलिए मजबूरी ही आकर वो अपने दोस्त का प्लान सुन लेता है। स्कॉट और उसके दोस्त हैंक फीन के घर चोरी करते हैं, पर स्कॉट को वहाँ पर बस एक सूट मिलता है जिसे स्कॉट अपने साथ ले आता है। घर पर स्कॉट सोचता है कि सूट अगर लॉकर में रखा है तो कुछ तो बात है, इसलिए वो सूट पहन लेता है। फिर वो एंट मैन बन जाता है और हमें पता चलता है कि ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि हैंक ने ही प्लान करी थी। सूट को देखकर स्कॉट उससे वापस रख आता है, पर वहाँ अरेस्ट हो जाता है। हैंक उससे वहाँ से बाहर निकल देता है। हैंक उससे इसलिए सूट देता है क्योंकि हैंक की कंपनी को डरने क्रॉस टेकओवर कर लेता है, जो एक खतरनाक येलो जैकेट बना रहा है, और उससे रोकने के लिए हैंक स्कॉट की मदद लेता है। डर्रे क्रॉस का प्लान येलो जैकेट को एक वेपन बनाने का होता है और ये प्लान पीवाईएम रोकना चाहता है। अच्छी खासी प्लानिंग के बाद स्कॉट उसके दोस्त हैंक और होप बिल्डिंग में घुस जाते हैं, पर डर्रे क्रॉस वहां से हेलीकॉप्टर में भाग जाता है और वहां येलो जैकेट फेन लेता है। उसके बाद एक अच्छी एक्शन सीक्वेंस है और आखिर में स्कॉट डर्रे क्रॉस को हरा देता है और अपनी बेटी का हीरो बन जाता है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हैंक अपनी बेटी होप को वॉस्प सूट दिखाता है, जो उसने और उसकी वाइफ ने मिलकर डिजाइन करा था, और ये सीधा एंट मैन एंड द वॉस्प से कनेक्ट हो जाती है, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।